हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। हुन आज असं जिहड़ा चैप्टर करन जा रहे हैं वह है परसेंट एंड परसेंटेज। क्लासेस सैवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ अकॉर्डिंगली अपनी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो नू देख लैन, क्योंकि मैं इस टॉपिक नू पूरी तरह कवर किया इस वीडियो दे विच। चाहे कोई क्लास सैवंथ का बच्चा है, चाहे एट्थ, चाहे नाइन्थ या चाहे टेंथ, ठीक है। अच्छा, हुन परसेंटेज किवें कट कर देना का कुछ बेसिक गल्लां जो परसेंटेज चैप्टर शुरू करन तो पहला, एक्सरसाइज सॉल्व करन तो पहला सानू पता होनियां चाहीदियां, दैट के वर्ड जड़ा परसेंट है, परसेंट जड़ा वर्ड है उहदा मतलब हुंदा है फॉर एवरी हंड्रेड। ओके, फॉर एवरी हंड्रेड एदा सिंबल की है, सिंबल ऑफ परसेंटेज जनरली कैलकुलेटर्स दे उत्ते लिखा होंदा है, ते किस सिंबल नाल, दिस इज द सिंबल, परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। चलो जे सिंबल ए आ गया, हुन असी एक होर चीज़ कहने आ, जे मैं गल करदा कि मेरे 12% जड़े आंसर्स है वो ठीक होए, 12% आंसर्स मेरे ठीक होए, तो एदा मतलब की है, दिस इज इक्वल टू 12/100। सो दिस इज न्यूमिरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, पता ना इन्नी चीज़ ते छोटी क्लासा तो ही पढ़ते आ रहे हैं। सो 12% जो असं लिखना होए तो 12 जाएगा न्यूमिरेटर, तो 100 जाएगा, क्योंकि एदा मतलब की है फॉर एवरी 100, 100 डिनोमिनेटर च आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट है जी, 3/5 वर्गी जो टर्म है इनू असी कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है इंटू परसेंट, किन्ने परसेंट है, ठीक है। सो असी की करांगे 3/5 इंटू 100, सो 5 20s आर 100, दिस बिकम्स 60%। आंसर कितना आ गया, 60%। ईजी है ना सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, किसी भी टर्म नू असी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से दिस, ए पहला पॉइंट सी ना, ए दूसरा, ए एक तीसरी एग्जाम्पल्स असी कीतियां स्टार्ट। हुन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं की है, 0.45 इनू किहदे च कन्वर्ट करना है, परसेंटेज च कन्वर्ट करना है। 0.45 नू जदों कन्वर्ट करांगे तो की आ जाएगा, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर एदा इक्वल टू करके किन्ना, इनू भी कर दिए 45/100 इंटू 100, डेसीमल उड़ाता ना तो इतने बचे 100 कट होके बन गया 45%, ठीक है। ईजी सी ना सारा कुछ। हुन असी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज जड़ी मैं स्टार्ट करन जा रहा, दैट इज़ फ्रॉम सेलिना बुक, सेलिना बुक ICSE, ओके, क्लास 8th। सिमिलरली NCERT, CBSE, क्लास 8th एंड 9th, ओके, ए तुहानू टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं आन वाली, बस बेसिक थिंग्स अपनियाँ क्लीयर रखो, तो कैलकुलेशन मिसटेक्स नहीं करनिया, तो कैलकुलेशन मिसटेक ना होए एक तरीका है, प्रैक्टिस करो, बार बार सम्स नू
कट के सोल्यूशन देखो तो चैक करो तो फिर तो सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ जी, सो क्वेश्चन इज, हाँ जी क्वेश्चन इज फाइंड, पॉज कर दो, परसेंट एंड परसेंटेज दे विच जे असी कोई एग्जाम्पल दी गल करिए ते क्वेश्चन सपोज करो ए क्वेश्चन है फाइंड 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। 36 किन्ने परसेंट है 144 दा, ठीक है। हुन यहाँ ते एक डायरेक्ट मेथड है, दो मेथड्स है ना, एनु 36 नु 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। पहले तो 144 आ गया इतने तो मल्टीप्लाई बाय 100, ए सॉल्व करके की आएगा 2 18 36 272, यही है 18 दे टेबल 72 आंदा, सो कितना हो गया 4 तो ए 4 25, सो इट बिकम्स 25% आंसर, ठीक है जी। 25% आंसर आ गया था, ठीक है। दूजा मेथड है जी एक्स परसेंट, ए तो एक मैथड हो गया ना, दूसरा एक्स वाला जरा असी एक्स सपोज कर लेने कि फाइंड 36 व्हाट परसेंट ऑफ एक्स परसेंट ऑफ एक्स परसेंट मान लिया ना ऑफ 144, 36 इज एक्स परसेंट ऑफ 144, सो मीन्स एक्स परसेंट ऑफ 144 किदे बराबर आ गया 36 दे, सो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 36 बाय 144, सो एक्स विल बी इक्वल टू 36 बाय 144 इंटू 100, फिर सेम कटिंग्स है सारी, ठीक है ना, 2 7s are 14, 2 2s are 18, ठीक है। तो यह हो गया साढ़े को 25% आंसर आ गया, ठीक है। ईजी सी ना, दोवें मैथड्स बहुत ईजी है, जो भी ठीक लगता है वो असी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कट इट आउट, हाँ जी, जिमें कि असी देख रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन है 80 इज 32% ऑफ सर्टन नंबर, फाइंड द नंबर। हुन जड़ा नंबर है उन्हूं असी की लै सकते हैं, एक्स भी लै सकते हैं, तो उस तो बगैर जड़ा तुहानूं मैं दो मैथड्स दसे है पिछली वीडियोस में, दो मैथड्स एक्सप्लेन किए हैं ना, दोवां चों कुछ भी एक्सप्लेन किसी भी तरीके दे नाल कर सकते हैं। चलो लेट दैट नंबर इज एक्स, ठीक है, एक्स ले लिया, ठीक है। हुन 32% ऑफ एक्स, 32% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80, यही आंदा ना, अच्छा मतलब के 32/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80, एक्स इधर रह जाएगा 80, 100 उधर जाके की होएगा मल्टीप्लाई, तो थल्ले 32 थल्ले आ जाएगा दिस इज, ठीक है। हुन इहदी एक कटिंग कर लैने आ, 2 1s are 2 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 0s are 0, ठीक है, 2 8s are 16, 2 20s are 40, 2 4s are 8, 2 10s are 20, 4 25s are 100, सो आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 250, 250 आंसर आया, ठीक है। सो दिस, ठीक है ना, इजी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साडे कोल दैट इज 16% ऑफ 16% ऑफ पर फिर हम उधर इमेज तो फिर एक एक शाम की वीडियो बनानी पैनी है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जिमें कि आप देख सकते हैं 16% ऑफ 150 16% ऑफ 150 माइनस सबट्रैक्ट किनू कर रहे हैं 25% ऑफ 84 ठीक है तो एडिशन कर रहे हैं 8% ऑफ 550 चलो हुन पहले तो असी की करना है परसेंटेज दे साइन नू अपॉन 100 करिए 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150 क्योंकि ऑफ का मतलब की हुंदा मल्टीप्लाई ठीक है माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 84 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 550 ठीक है ना बिल्कुल कितना इजी सी बस नो मतलब एक्सप्लेन करता अपा सॉरी एक्सप्लेन कह रहे हैं एक सिंपल फॉर्म च कन्वर्ट करता 16 इंटू 150 16 का जरा परसेंटेज से 100 हो गया एदा भी 100 हो गया एदा भी 100 हो गया मल्टीप्लाई 550 इधर मल्टीप्लाई 84 इधर इधर माइनस का साइन सी इधर पॉजिटिव का साइन सी चलो लेट्स टेक एलसीएम LCM लैन तो बाद की आएगा साढ़े को LCM 100 क्योंकि सारे 100 है बेस करता सेम 100 चलो 16 इंटू 150 माइनस 25 इंटू 84 प्लस 8 इंटू 550 ठीक है इंटू 550 अच्छा ऑन सॉल्विंग इनू असी सॉल्व जो करांगे ना कटिंग करके ऑन सॉल्विंग साडे कोल आंसर की आएगा पहले एक छोटे स्टेप्स लिख लेने हैं आंसर विल बी 24 माइनस 21 ठीक है 24 माइनस 21 प्लस 44 ठीक है इज इक्वल टू 47 आंसर इजी सी ना बस एक कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है ठीक है कैलकुलेशन है जे तुसी कहंदे हो तो यह देखो बड़ा इजी है 150 नू असी की कीता है 16 ना मल्टीप्लाई कीता है ना 600 0 6 5 30 6 3 6 1 6 900 आ गया थे दिस इज 1 0 0 1 5 5 1 1 1 1 दो जीरोज आ गई 4 आ गया 2 आ गया इतने आ गया 2400 ठीक है उस तो बाद माइनस 25 इंटू 84 करिए 4 5 20 4 2 8 10 8 5 40 8 2 16 20 सो है की आ गया 2100 थर्ड की रह गया साढ़े को 550 इंटू 8 8 0 0 8 5 40 8 5 40 4400 अपने आप ही क्लियर हो गया इतों 24 आ गया इतों 21 आ गया इतों 44 आ गया आंसर आ गया 47 की किता ए दोवां नू प्लस करता वो चो माइनस करता 44 चों जो 24 प्लस करांगे 44 चों 24 प्लस कीता है दिस बिकम्स 868 माइनस की करना है 21 सो 7 एंड 4 सो दिस इज द आंसर 47 इजी सी ना सिर्फ कैलकुलेशन है चलो